हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर कल के भाव का दाव। और आज का दिन आशा करता हूं आप सबके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो थोड़ा सा पीछे का प्री कैप लेते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों जो है कितने रेंज बाउंड पिछले दो दिन हमारे बीते। और जिन्होंने भी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो पेशेंटली जिन्होंने सब्र के साथ वेट किया होगा, उन्होंने जो है आज का ये ट्रेंडिंग डे बहुत बेहतरीन तरीके से इन्जॉय किया होगा। कल का जो है रेफरेंस के लिए आप शो देख सकते हैं, कल का जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने कहा था कि जो है हमारा जो अगला ट्रेड होगा वो ट्रेड होगा 18,200 के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि ट्रेड किस तरीके से लिया जा सकता था। तो ये 15 मिनट का जो होराइज़न है इसको हम 5 मिनट के होराइज़न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब 5 मिनट के होराइज़न पर ये कैंडलस्टिक कन्वर्जन हो जाएगा तो फिर किस तरीके से दिखाई देगा वो आप देख पाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपके सामने है 5 मिनट का टाइम होराइजन। उसी 15 मिनट के जो है टाइम होराइजन को हमने कन्वर्ट किया 5 मिनट के टाइम होराइजन पे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एनालिसिस हम लोग एक बिगर टाइम होराइजन पे करते हैं, उसका एक स्टेप नीचे के टाइम होराइजन पे हम जो है ट्रेड लेने के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड ट्रेडिंग सिस्टम को प्लान करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट जब यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ पे हम लोगों के पास, जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रेड हम लॉन्ग साइड पे ढूंढेंगे और हमारा जो निफ्टी का जो पोजीशन होना चाहिए वो एकदम नियर टू सपोर्ट होना चाहिए, एज वेल एज ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जो है बहुत ही डिसाइसिवली वो ट्रेड कर रहा होना चाहिए। तो ऐसा जो मौका था, सबसे पहले जो मौका था वो आया यहाँ पे ये स्थिति थी। यहाँ पे अगर हम देखें लगभग 11:25 के आसपास, अगर यहाँ पे आप कहेंगे कि कल का हाई और ये मूविंग एवरेज इसके जस्ट ऊपर ये ट्रेड कर रहा था तो ये क्या हमारा ट्रेड लेने का एरिया, लॉन्ग ट्रेड लेने का एरिया बन सकता था? मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पे भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत थी, क्योंकि इसके एकदम ऊपर देखिए यहाँ पे लगभग 18,195 पे ये ट्रेड कर रहा है और हमारा डेली रेजिस्टेंस लेवल जो है 18,200 पे खड़ा हुआ था। तो हमें वेट करना था ये जो कैंडल दिखाई दे रही है 12:20 की, जिसने कि डिसाइसिवली एकदम इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है बिना रेड लाइन को टच किए हुए। और यहां पे 12:20 पे आपका ट्रेड बनता था, जैसा कि हम लोग यहाँ लर्निंग में आपको इस एपिसोड में सिखाते हैं कि ट्रेड किस तरीके से, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे ये ट्रेड बनता था 12:20 पे। और एक बार 12:20 पे ट्रेड लेने के बाद आराम से आप जो है 3:30 तक, अगर आप यहाँ पे 3:05 की कैंडल देखें या फिर 3 बजे की भी कैंडल देखें, तो आराम से जो है 18,300 के आसपास तक का आपको जो है प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। मेरा कहने का यही मतलब होता है 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको अपना ट्रेड जो है क्लोज करके निकल जाना चाहिए अगर आप प्रॉफिट में हैं, और प्रॉफिट में नहीं हैं तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और अगर आपको दिख रही है संभावनाएं कि जो है आखिरी 10-15 मिनट में कुछ हो सकता है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ किसी भी प्रकार से 3:15 पे तो एकदम निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही थी, आराम से जो है यहाँ पे 3 बजे के आसपास आप जो है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मोमेंटम जो है आगे चल रहा था, 3 बजे के आसपास ऑन अ सेफर साइड आप निकल सकते थे। कितना बेहतरीन जो है ये ट्रेंडिंग डे आपको मिला। कुछ लोग या कुछ आप में से जो दर्शक हैं वो सोचेंगे कि हम यहीं पे क्यों नहीं ले लेते। देखिए क्या होता है, कभी भी जो भी आप ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर रूल ड्रिवन जो है आपका एक सिस्टम होता है, रूल ड्रिवन आपका एक प्रोसेस होता है, उस रूल को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे मार्केट खुलने के साथ जैसे ही इसने जो है थोड़े अपवर्ड मोमेंटम दिखाया और ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया और इसने आपको अगर एक मौका दिया यहाँ पे अगर आप लेते तो पूरा का पूरा जो है आपको पूरा का पूरा जो है मार्केट मोमेंटम इन्जॉय करने का मौका मिलता। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर बैक टू बैक कल का हाई एज वेल एज एक डेली रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था, यहाँ से अगर मार्केट ने फिर जो है रिवर्स साइड में अपना मोमेंटम दे दिया होता डाउनवर्ड साइड में अपना मोमेंटम दे दिया होता तो फिर आपका जो ट्रेड है या तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे आपको काटना पड़ता,
या फिर आपको जो है एक छोटा लॉस लेकर के निकलना पड़ता। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको आपको अपने फेवर में इकट्ठा करनी होती हैं कि अगर बैक टू बैक दो कोई रेजिस्टेंसेस अगर लॉन्ग साइड पे हैं और वो दोनों ब्रीच हो रहे हैं और बहुत ही पास पास हैं, जैसे कि ये कल का हाई था 18,180 के आसपास और ये जो है 18,208 के आसपास जो है डेली चार्ट के ऊपर जो ये रेड लाइन खींची है हमने, इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल था, इसके दोनों जस्ट 25-30 पॉइंट के डिस्टेंस पे हैं, तो इनको डिसाइसिवली ब्रीच होने का हमको वेट करना था। प्लस जैसे ही ये डिसाइसिवली ब्रीच होंगे, ऑब्वियसली जो मोमेंटम है, जो ये आपका जो मूविंग एवरेज है, ये भी उस लेवल के करीब आ जाएगा। तो तीन तीन जो है ताकतें जो है आपके निफ्टी लेवल को ऊपर लेके जाने के लिए एकदम अग्रसर हो जाएंगी। इस तरीके से अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए इस तरीके के रूल्स के साथ। तो जो उन रूल्स के साथ अगर हम बात करें अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को एनहेंस करने के लिए, जो मौका बना यहाँ पे वो बना 12:20 पे, जहाँ पे कि आप एकदम जो है डेली रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन चुका था, 18,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था ये आपका निफ्टी लेवल, एकदम उसके जस्ट नीचे जो है 18,200 पे आपका मूविंग एवरेज था और उसके नीचे कल का हाई अराउंड 18,180 के आसपास था। यानी आप जो है 12:20 पे आप ट्रेड कर रहे थे 18,216 पे और आपके तीन तीन सपोर्ट लेवल आपके पास जो है नीचे आपको फेवर कर रहे थे, जो कि 30 से 40 पॉइंट नीचे खड़े थे। आप आराम से जो है यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले करके अपने लिए 100 पॉइंट की ट्रेड आराम से ले सकते थे, जो कि इसने प्रूव करके भी दिखाया इस चार्ट ने आपको। ये अगर आप 3 बजे की कैंडल को भी कंप्लीट करके निकलते 18,300 पे आपको निकलने का मौका मिलता, और अगर 3:05 इतना एक्यूरेट कोई नहीं हो पाता है कि प्रोबेबिलिटीज आपको जो है इसी तरीके से अपने लिए एनहेंस करनी होती हैं। और अगर लास्ट कैंडल आपको खेलना भी है तो लास्ट कैंडल आपको प्ले भी करना है, तो आपको जो है एक अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एकदम ऊपर ले जाना है, होता है कि जिससे कि आप उससे नीचे अपने मतलब प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में ना जाने दें, ठीक है। तो ये पूरा ये दिखाने का ये मतलब था मेरा कि दो दिन आपने पेशेंटली जो है बिना ट्रेड लिए वेट किया तो एक दिन आपको जो है एक ट्रेंडिंग डे मिलेगा, जो सिंपल बाइंग एंड सेलिंग बेसिस पे अपने ट्रेड्स लेते हैं, राइट। और ये इसी को कहते हैं पेशेंस, क्योंकि दो दिन आप बिना ट्रेड लिए बैठे हैं और एक दिन आपको बढ़िया ट्रेंडिंग मिल गया, या बैक टू बैक दो तीन दिन लगातार आपको अच्छे ट्रेंडिंग मिल गए, क्योंकि अब जो है ये मार्केट ने जो अपना क्लोज दिया है वो डिसाइसिवली 18,200 के ऊपर दिया है, और अब अगला जो रेजिस्टेंस लेवल डेली चार्ट के ऊपर इवन वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो है अराउंड फ्यूचर लेवल्स पे 18,700-18,800 के आसपास। तो अब बहुत बड़ा एरिया ओपन हो गया है और ट्रेंडिंग डेज मिलने की संभावनाएं आपकी बहुत बढ़ गई हैं। तो अब बैक टू बैक आपको हो सकता है कई दिनों तक ट्रेंडिंग डेज मिलें, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है जो क्वेश्चन रह जाता है वो सिर्फ जो है पोजीशन साइजिंग का है। आज आप एक लॉट के साथ काम कर रहे हैं, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, कल को आप दो लॉट्स के साथ काम करेंगे, फिर 10 और फिर 50 लॉट्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि मार्केट में करंट एक्सपायरी मार्केट के अंदर जबरदस्त वॉल्यूम्स होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ गया, आपने उसको डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करना सीख लिया, प्ले करना सीख लिया, और पेशेंटली आप अपने ट्रेड का अपने सिग्नल्स का वेट करना आपने सीख लिया, तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, अपनी पोजीशन साइज को बढ़ाना एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन लेना, एंट्री एंड एग्जिट्स करना। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए दोबारा वापस चलते हैं हमारे 15 के चार्ट के ऊपर, जहां पे कि हम एनालिसिस करते हैं, राइट। ये हम आ गए यहां पे 15 के चार्ट के ऊपर। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो रण क्षेत्र है वो अब ये हो जाएगा, आज का जो हाई है वो है 18,317, राइट, और आज का जो लो है वो है हमारा 18,000, ये हम इसको यहां पे ले आते हैं, ये हो गया 18,109। तो कल के लिए हमें ये रेंज 18,100 से 18,300 की काफी अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्यों?
रीजन मैं उसके आगे बता दे उसके पहले बता देता हूं आपको कि देखिए सपोर्ट लेवल अब जो है हमारा 18,200 हो जाएगा, जो कि पहले कभी रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, और नया रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे अब बहुत बड़ी रेंज आपके लिए ओपन हो गई है दोस्तों। लेकिन मैं फिर एक बार बता दूं, बड़ी रेंज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक ही दिन में जो है उस रेंज को अचीव करने की कोशिश करें, बिकॉज 18,300 के आसपास से 18,800 तक जाने के लिए बहुत ज़बरदस्त कोई न्यूज़ मिल जाए तब तो एक अलग बात है, लेकिन हमें क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस यहाँ पे लर्निंग ले रहे हैं, तो हमें पता होने चाहिए कि हमारे रिस्क क्या हैं और हमारे रिवॉर्ड्स क्या हैं। निफ्टी पे हमें 50 से 100 पॉइंट मिल जाए दैट इज इनफ इन अ डे, और बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 100 से 200 पॉइंट मिल जाए। तो अब जो नए रेजिस्टेंस एरियाज और नए सपोर्ट एरियाज आपके सामने लिख के आ गए हैं, तो अब हम बात करते हैं कल के भाव का दाव निफ्टी पर क्या हो। कल के भाव का दाव निफ्टी पर यह है कि सबसे पहले आपको वेट करना है कि आज का हाई जो है डिसाइसिवली ब्रीच हो जाए। आज का हाई है 18,317, इसके ऊपर जाते ही फिर आप जो है एक लॉन्ग ट्रेड के लिए ही देखेंगे। अगर ये कहीं ब्रीच नहीं होता है और 18,200 के आसपास आपको जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर जो है निफ्टी के लेवल्स मिल रहे हैं, तो फिर आप जो है देखेंगे कि कितने पॉइंट नीचे आपका ये मूविंग एवरेज एज वेल एज 18,200 का ये जो डेली सपोर्ट है ये खड़ा है, और फिर यहाँ से दोबारा एक बार जो है आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्योंकि मोमेंटम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आज का हाई ब्रीच करना विल नॉट बी अ बिग टास्क फॉर दीज निफ्टी लेवल्स नाउ, राइट। तो ये है आपके कल का भाव का दाव निफ्टी के ऊपर। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी में ये आप लास्ट बॉक्स देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये मोमेंटम रहा पूरे दिन। ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते थे जैसे हमने निफ्टी में एक बार देखे, इसको भी 5 मिनट के चार्ट में हम कन्वर्ट करके एक बार देख लेते हैं। ये हमने यहां पे आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम होराइजन पे लाके रख दिया, जिससे कि आपको एक हम आइडिया दे पाए कि ट्रेड कैसे। बैंक निफ्टी निफ्टी सारे ये ऊपर गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मार्केट खुलते ही एकदम से हम कूद पड़े और हमने पोजीशन ले ली और हमने जो है पूरा का पूरा जो मार्केट में गेन था वो सारा सारा अपने लिए प्रॉफिट में लिया है, क्योंकि एक सर्टेन सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू आप एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। तो जो हम सिस्टम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंपल बाइंग एंड सेलिंग के लिए, वो यही है कि सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी जो है जो ओपन हुआ वो ओपन हुआ एकदम ये नीचे अराउंड 43,212 के आसपास, और फिर इसने टेस्ट किया कल के हाई को। टेस्ट करने के बाद फिर ये नीचे आया, यहाँ हम वेट करेंगे, फिर ये ऊपर गया और कल के हाईज के ऊपर ये जो है डिसाइसिवली 11:05 के आसपास जो है ट्रेड करना शुरू किया है, जो कि लेवल था 43,365। और जो भी व्यूअर्स जिन्होंने हमारे कल का एपिसोड देखा है, हमने कहा था यहाँ पे कि अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है डेली चार्ट के ऊपर 43,600 के आसपास, तो वहां से 43,300 के आसपास से 43,600 लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंस है, 300 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो यहां पे क्योंकि एकदम जो है इसने डिसाइसिवली दो कैंडल बैक टू बैक जो है क्लोज दिया है, और यहाँ पे ये वाली जो 11:05 की कैंडल है ये इवन टच भी नहीं करी है यहाँ पे कल के हाईज के लेवल्स को, और कल के हाईज के लेवल फिर इसके लिए बन गए सपोर्ट, यानी कि 43,360 के आसपास एक पहला सपोर्ट जो कि कल का हाई था, और उसके जस्ट नीचे जो ये चल रहा है हमारा मूविंग एवरेज जो कि चल रहा है 43,320, यानी कि यहां पे इस कैंडल के क्लोज होते ही आपने अगर पोजीशन ली होती 43,360-65 के आसपास, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता वो होता 43,326, मात्र जो है 40 से 50 पॉइंट का, राइट। ऑन अ सेफर साइड आप 43,300 भी ले सकते थे, राइट। और फिर देखिए ये कंटिन्यूअसली देखिए यहां पे नीचे आता देखेंगे आप, लेकिन जब तक ये रूल है जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, जो भी स्टॉप लॉस जो भी सपोर्ट लाइन जो भी रेजिस्टेंस लाइन हमने बनाई है
अगर कोई भी कैंडल उसको टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, दैट इज फाइन, लेकिन जब तक डिटैच होकर के अलग उसके नीचे क्लोज नहीं देती है कोई कैंडल, तब तक जो है हम अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि हमने पीछे भी देखा और हमने यहां भी देखा, ये वाली जो मैं थोड़ा सा आपको जो है बड़ा करता हूं इस साइज को कैंडल के, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं 11:05 पे, और 11 बजे वाली जो ये कैंडल है, इससे 5 मिनट पहले वाली कैंडल है, इसकी बात नहीं कर रहा। रीजन क्या है उसके पीछे, ये 11:05 वाली कैंडल ने एक बार टेस्ट किया है, देखिए ये कल के हाईस को, इसलिए हमने इसको नहीं कंसीडर किया। लेकिन जो 11:05 की कैंडल, 5 मिनट की जो कैंडल है, उसने इंडिपेंडेंटली इस जो कल का हाईस है, जिसको कि अब हम सपोर्ट मान के चल रहे हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, इवन इसको एक बार भी टेस्ट भी करने का नहीं सोचा है। यहां पे जब हमने एक बार पोजीशन ले ली, तो अब हम जब अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो वो तब हम एग्जिट करेंगे जब जब हमारे पास ये जो सपोर्ट लेवल है, जिसको हमने स्टॉप लॉस बनाया है, और ये जो आपका मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के नीचे बिना टच किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए ऊपर साइड में सपोर्ट एज वेल एज मूविंग एवरेज की लाइंस को कोई कैंडल जब क्लोज करेगी, तब जा करके हम एग्जिट लेंगे, राइट। तो इस वजह से ये जो दो कैंडल्स आप देख रहे हैं, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है एग्जिट होने के लिए, राइट। एक सर्टेन जो है गाइडलाइन, सर्टेन नियम जो है आपको अपने लिए बनाने पड़ेंगे, और उनको फिर बिना डरे बेखौफ हुए आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। और डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये लेवल्स हैं 43,000, देखिए इसने जो अगर नीचे तक गए भी ये अगर क्रॉस करके, तो 43,337 तक आए, जबकि आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 43,300 के आसपास। और जैसे जैसे ये मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, आपको जो है अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर लेके आना है, लेकिन स्टॉप लॉस तभी आपको एग्जिट करना है, स्क्रीन पे नहीं लगाएंगे, एग्जिट तभी करेंगे, चाहे जो है 10-20 पॉइंट का एक्स्ट्रा लॉस हो जाए, तभी एग्जिट करेंगे जब ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे डिसाइसिवली बिना टच किए हुए कैंडल जो है क्लोज होती है। उससे पहले खाली ये टच कर रहा है, इसके नीचे आकर के ऊपर बंद हो गया, वहां पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आपको स्क्रीन पे रहना है, बिकॉज यू आर इन टू द ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसा नहीं कि जो है आपने अपने भाव स्टॉप लॉस लगा करके इधर उधर घूमने चले गए, ऐसे जो है ट्रेडिंग बिजनेस नहीं चलेगा। आपको ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे दुकान में गल्ला नहीं छोड़ता है ना आदमी, वैसे ही आपको स्क्रीन नहीं छोड़नी है। और जब आप स्क्रीन नहीं छोड़ेंगे, तो आपको दिखेगा अगर कोई लेवल यहां तक पहुंच गया और यहां के नीचे जो है आकर के कोई कैंडल पूरी की पूरी जो है प्राइस एक्शन इसके नीचे ही क्लोज हो रहा है, तब आप जो है अपनी एग्जिट लेंगे बिना कुछ सोचे, बिना किसी सेकंड थॉट के, राइट। तो ये है स्टॉप लॉस अपना लेने का या स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने का तरीका। ये नहीं कि वो आपका स्टॉप लॉस आपने स्क्रीन पे लगा रखा है, उसको टच करके लेकर के फिर अपनी जगह ऊपर पहुंच गया, आपका तो जो है आप तो ट्रेड से बाहर हो गए, लेकिन जो है मार्केट मोमेंटम जो आपने गेस किया था या जो एज्यूम किया था या जिसकी तरफ आपने अपनी प्रोबेबिलिटी जो है प्ले करी थी, वो आपका एज इट इज बना हुआ है, लेकिन आपको जो है गेम से बाहर कर दिया। तो ये नहीं होगा, ये तभी नहीं होगा जब आप पूरा समय देंगे स्क्रीन को, पूरा समय देंगे सुबह जो है 8 बजे से 3:30 तक, जब तक कि मार्केट क्लोज हो नहीं जाता है। 8 बजे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तैयारी करने के लिए, जब आप अपनी शॉप खोलते हैं तो उसकी साफ सफाई करते हैं, अपनी चीजों को जो है जगह पे लगाते हैं, गल्ले वल्ले को व्यवस्थित करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने ट्रेडिंग स्क्रीन को, ट्रेडिंग चार्ट्स को एक बार रिव्यू करना होता है और सारी चीजों को तैयारी करके। इसलिए मैं 1 घंटे 1.25 घंटे पहले की बात कर रहा हूं और मैं वही बोल रहा हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, राइट। तो ये था किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता था, सेम सिंपल ट्रेड। यहां पे जैसे ही आया, डेफिनेटली 43,600 के आसपास आपको अपना ट्रेड क्लोज करके निकल जाना था, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो 3 बजे जो ये कैंडल बन रही है, ये इसके ऊपर क्लोज होगी या यहां से नीचे आकर के जो है नीचे जो है क्लोज दे देगी। तो हमारा यहां पे प्रॉफिट टेकिंग जब हमें दिख रहा है डेली चार्ट के ऊपर, यहां एक
रेजिस्टेंस लेवल है 43,600 के आसपास, हम वहां पे स्क्रीन पे डाल के रखेंगे कि भाई हमारा ये जो, और हमें दिख रहा है कि जो है ये 3 बज गए हैं, अब हमें जो है वैसे भी 3:30 बजे के ऊपर जो है अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू रखना नहीं है, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज करके निकल जाएंगे। भले ही इसके बाद ये और 100 200 300 पॉइंट का रैली दिखा दे, वो हमारा उसको चेस करना हमारा काम नहीं है, कि ऑलरेडी 3:30 बजे के ऊपर का टाइम हो चुका है। अगर यही मोमेंटम जो है अराउंड 10 11 12 बजे के आसपास दिखता है और 43,600 है, तो तब आप एक जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट्स को जो है चेस करते हुए जा सकते हैं। बट अगर 2:30 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास ये सिचुएशन दिख रही है तो, और आप प्रॉफिट में हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से आप अपना ट्रेड एग्जिट ले लेंगे। तो इस तरीके से आपने आज अपना ये ट्रेड प्लान करा हो सकता होगा और हो करना चाहिए था, और मुझे लगता है जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने किया भी होगा। चलिए आज फिर चलते हैं हमारे 15 मिनट्स के एनालिसिस के ऊपर, जिससे कि हमें पता चल पाए कि अब आगे क्या। तो अब आगे क्या जो है वो ये दिख रहा है कि अगला जो है, क्योंकि अब देखिए डिसाइसिवली 43,600 तो ये ब्रीच कर चुका है, अब जो है ये 44,225 पे जाकर के रेजिस्टेंस है। तो अब जो है हमारा ये लेवल जो यहाँ पे लिख लेते हैं, कि एक बार फिर देख लेते हैं कि अगली जो लाइन है, अगली जो रेजिस्टेंस लेवल है आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी 44,225 पे अगला रेजिस्टेंस है, और जो अब हमारा नया सपोर्ट बन गया है वो बन गया है 43,600, राइट। अब हम अपनी रणभूमि, क्योंकि आज का प्राइस एंड एक्शन जबरदस्त रहा है, ये हमारा आज का लो है 43,206 और ये आज का हमारा हाई है 43,693, यानी कि लगभग 43,700 के आसपास। तो अब कल बैंक निफ्टी के भाव का दाव क्या हो, कल के बैंक निफ्टी के भाव का दाव आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। कल बैंक निफ्टी ओपनिंग देता है 43,600 के ऊपर, तो आपको जो है, क्योंकि ये डेली सपोर्ट, डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट है, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, आप एक बार को इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए, थोड़ा नीचे इसके स्टॉप लॉस रखते हुए अपना एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, और वो फिर आप अपने, क्योंकि हम बैंक निफ्टी के ऊपर चेस करते हैं 100 से 200 पॉइंट अकॉर्डिंगली जो है अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को 1:2 के फॉलो करते हुए, आपके जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो अराउंड जो है मैक्सिमम, अगर आप 200 पॉइंट चेस कर रहे हैं और 200 पॉइंट का प्रोबेबिलिटी है सामने, क्योंकि आगे जो रेंज है वो 44,225 रहेगा, तो इस वजह से आप अपने 1:2 का एटलीस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करते हुए लॉन्ग ट्रेड ही ढूंढेंगे। कल के बैंक निफ्टी के भाव का दाव मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, रेजिस्टेंस लेवल जो अब अगला है वो है 44,225, जो कि बहुत आगे है आपके सामने, 43,600 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ओपनिंग देता है, आप वहां पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए 1:2 के साथ लॉन्ग ट्रेड में ही जाएंगे मार्केट में, लॉन्गर होराइजन पे डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट बना हुआ है, शॉर्ट ट्रेड में ट्रैप होने से बचेंगे। और अगर आप पोजीशन साइजिंग अपनी एक और दो बार में लेते हैं तो आधी पोजीशंस आप जो है 43,600 के ऊपर शुरू होते ही ले लेंगे, और अगर समहाउ ये जो है आज के हाईस को ब्रीच करते हुए जो कि 43,700 है उसके ऊपर जाता है तो अपनी पोजीशन साइजिंग आप डबल भी कर सकते हैं, और अगर ये शुरुआत में ही आपको जो है 43,700 के ऊपर मिलता है तो आप जो है लॉन्ग ट्रेड के साथ आगे जाएंगे विद योर रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट, और 1:2 का, एटलीस्ट 1:2 का आपको फॉलो करना है रिस्क एंड रिवॉर्ड। और अगर मार्केट में मोमेंटम सॉलिड बनता है 3:30 बजे से पहले, आपको लग रहा है बहुत तेजी से मूवमेंट आ रहा है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले जाएंगे और अपने प्रॉफिट्स को फॉलो करते चले जाएंगे, चेस करते चले जाएंगे, जिससे कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है 1:2 की जगह 1:3, 1:4, 1:5 बन जाए। तो आज का मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट रहा,
सिंपल बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको ये ट्रेंडिंग मार्केट्स की ही जरूरत होती है, और जब ट्रेंडिंग मार्केट्स नहीं होते हैं, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने पीछे दोनों बॉक्सेस में दिया हुआ है, तब पेशेंटली वेट करना होता है। अगर आपने दो दिन बिना ट्रेड लिए आप बैठे भी हुए हैं क्योंकि आपका सिस्टम आपको सिग्नल नहीं दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका कॉन्फिडेंस आपके सिस्टम के ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से आ जाएगा, तो इट्स अ मैटर ऑफ इंक्रीजिंग योर पोजीशन साइज। आज आप एक लॉट से काम कर रहे हैं, फिर आप दो से करेंगे, फिर तीन लॉट से काम करेंगे, 10 लॉट से काम करेंगे, तो जो आपके आज 2,500-3,000 रुपए एक लॉट पे आप जो है एंजॉय कर रहे हैं, वही जो है 2,500-3,000 जो है आपके 25,000-30,000 इन अ डे हो सकता है, राइट। बट आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के ऊपर डिसिप्लिन तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड्स लेकर के अपना कॉन्फिडेंस जो है एनहेंस करना है। और जिस 33% ऑफ सक्सेस रेट की हम बात करते हैं, उस सक्सेस रेट को 60% तक पहुंचाना है मिनिमम, एंड यू विल सी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करना आपके हाथ में, पैसे आपके अकाउंट में होंगे, आपको खाली एक लॉट की जगह उसको 10 लॉट में कन्वर्ट करना होगा ग्रेजुअली, और आप देखेंगे आपके जो है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप 3 दिन बिना ट्रेड लिए भी बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके सिस्टम के ऊपर सिग्नल नहीं आ रहा है। बट जिस दिन सिग्नल आएगा उस दिन आप एक बड़ी पोजीशन साइजिंग के साथ अंदर जाएंगे, और एक महीने का जो अर्निंग है वो एक ही दिन में आप जो है मार्केट से निकाल के ले आएंगे, राइट। लेकिन विद अ स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड, बार बार मैं इस चीज को कहता हूं, क्योंकि मार्केट में बिजनेस करने के लिए मार्केट में टिके रहना जरूरी है, और मार्केट में टिके रहने के लिए आपको अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना जरूरी है। अगर कैपिटल नहीं रहेगी तो ये मार्केट फिर आपके लिए नहीं रहेगा, कोई विदाउट कैपिटल आपको एंट्री नहीं देगा इस मार्केट में। तो पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना जरूरी है, और पैसा बचा के रखेंगे और अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ये मार्केट मौके देता है। और जो व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो डे ऑन डे बेसिस पे देख रहे हैं कि मार्केट कैसे मौके देता है। बस आपको थोड़ा अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और पेशेंस के ऊपर काम करना है, थोड़ा पेशेंस के ऊपर काम करना है, इनिशियल डेज में करना है खाली, क्योंकि एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया उस चीज से तो फिर वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड सेट उस तरीके से ट्रेन हो चुका होगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम माय डियर फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे कल के भाव के दाव के ऊपर, सेम प्लेस एट मार्केट शाला। कनेक्टेड रहिए मार्केट शाला के साथ, और अगर आपको लग रहा है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छी लर्निंग दे पा रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को जो है शेयर करिए अपने नेटवर्क के अंदर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।